हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। फर्स्ट हमारा न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हुआ, टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर बम का टेस्ट हुआ। 11 मई 1998 में न्यूक्लियर क्लब का पार्ट बना हमारा जो भारत था, वो 6th कंट्री था जो कि न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट बना। सेकेंड जो हमारा इनोवेशन था, पूर्ण तरह इंडिया में बना हुआ एयरक्राफ्ट, उसका परीक्षण किया गया। एंड थर्ड जो हमारे लिए गौरव की बात थी कि हमारे मिसाइल परीक्षण त्रिशूल का परीक्षण किया गया जो कि भूमि से लेके आकाश तक मार्ग क्षमता रखता था। इन तीनों उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे घोषित किया और 99 से हर वर्ष टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये जो डे है, वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके जो योगदान है इस क्षेत्र में, उसको हम सम्मान देने के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि लगातार आप देख रहे हैं नए नए इनोवेशन यहाँ पर हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। क्या देखती हैं कि भारत आज टेक्नोलॉजी के मामले में किस तरीके की नई उपलब्धियाँ अर्जित कर रहा है? डेफिनेटली हमारा इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है हर फील्ड में, मेडिकल हो, साइंस हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। तो इस समय हमारा जो इंडिया है काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और हम गर्व के साथ कहते हैं कि इंडिया है वो नंबर 1 पे आएगा। प्रधानमंत्री जी इन सब चीज़ों में लगातार सपोर्ट करते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि वो इसी तरह से योगदान देते रहें और हमें प्रोत्साहित करते रहें। सुषमा जी, आप उस संस्थान से आती हैं जैसे मैरिट कहा जाता है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसके नाम में ही प्रौद्योगिकी छिपा हुआ है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को लेकर विद्यार्थियों को नई नई बातों से परिचित कराया जा रहा है और उन्हें अपडेट करने की कोशिश की जा रही है? उनको हम कोशिश करते हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनसे हम उनको परिचित कराएं, फैसिलिटी देते हैं, उनको फंड देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं और नए नए प्रोजेक्ट करवाते हैं। या जो भी तकनीकी क्षेत्र में हमारे इनोवेशन हो रहे हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि अपनी लैब में लाएं और बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस कराएं और उन पर काम करवाएं ताकि वो सीखें और उनको इंटरेस्ट भी आए। क्या नाम है आपका? साक्षी जैन। आदित्य कामत। साक्षी जी, हम जानना चाहते हैं कि जो मैनेट का रोबोटिक्स क्लब है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। हमारा रोबोटिक्स क्लब एक ऐसी संस्थान है जो तकनीकी उन्नति में अहम योगदान देती है। हम युवा जनता को रोबोटिक्स तकनीकी के साथ जोड़ने का काम करते हैं। हमारा रोबोटिक्स क्लब तकनीकी उन्नति के क्षेत्रों में उपयोगिता साबित करता है। उद्योग, संचार, अंतरिक्ष अनुसंधान, सुरक्षा तथा रक्षा इत्यादि। हम अपने क्लब में युवा तकनीशियनों को रोबोटिक्स के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करते हैं, रोबोटिक्स के उपयोग की संभावनाओं के बारे में जागरूक करते हैं। आदित्य, हमें बताएं कि आपका जो रोबोटिक्स क्लब है उसमें किस प्रकार के आइडियाज़ आ रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जोर है कि नए नए स्टार्टअप शुरू हों, नए नए इनोवेशंस हों। तो रोबोटिक्स क्लब में अभी कौन कौन सी ऐसी नई अचीवमेंट हुए हैं जो आप बताना चाहते हैं? रोबोटिक्स क्लब में मेनली 3 टाइप के रोबोट्स डेवलप होते हैं। एक होते हैं मोबाइल रोबोट्स जो लैंड में काम करते हैं। अभी हम एक्चुअली गुजरात रोबोट फेस्ट में कम्पीट कर रहे रोवर्स के साइड में। हम ऑलरेडी IIT मद्रास जा चुके ड्रोन कॉम्पिटिशन में, ऑटोनमस ड्रोन्स, डिलीवरीज और वेयर हाउसेस काम करने के लिए। और अभी हम एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे अंडर वाटर रोबोटिक्स के लिए। जो ऐसे भोपाल में लेक्स है, ओशनोग्राफीज है, तो अंडर वाटर मैपिंग और ऐसे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में हेल्प करने के लिए हम इस टाइप के भी रोबोट्स बनाते हैं। साक्षी, हमें बताएं कि जो नए नए आइडियाज आते हैं तो कैसे आप इसको आगे मतलब प्रोत्साहित करती हैं जो आपके बाकी जो साथी हैं उनको? हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं के आइडियाज़ लें। जब उनके आइडियाज़ होंगे तो वो उस काम में पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर पाएंगे। हम उन्हें उसकी इंपॉर्टेंस समझाते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो वो हमेशा से फिजिक्स, मैथ्स और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और वो इस थ्योरेटिकल नॉलेज को हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज, फिजिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हम हमारे क्लब के स्टूडेंट्स के साथ साथ हम हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो आदित्य, हमें बताएं कि अभी नए कौन से आइडियाज़ पे काम चल रहा है आपका? सबसे नया आइडिया जो अभी हम कर रहे हैं वो हमारा अंडर वाटर रोबोटिक, जो अभी मैन से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। उन जगह में हमको रोबोट्स बेच के एक्सप्लोर करना है, हमको एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करना है और हमको एनवायरमेंट को मैप करना है, जो अभी हम रोबोट बना के खुद भोपाल में टेस्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी डे की हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब अपन एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ पे सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ग्रो करना अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़े लेवल पर नेशंस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ये हमारी कोशिश है। ये हमारा मेन फोकस इंजीनियरिंग में यही है कि हमको एटलीस्ट खुद को और कंट्री को डेवलप करना है टेक्नोलॉजी साइड से। अब ये कैसे होता है, हमको देखना है कि लोगों का नीड्स क्या है अब लोगों का नीड्स तभी समझ आ सकता है जब लोग खुद सामने से आके बताते हैं कि हमको ये चीज़ों में इम्प्रूव करना है, ताकि हम टेक्नोलॉजी के साथ उनको मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनको हेल्प कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।